तो 15 अगस्त 26, 26 जनवरी या कभी सीज़ फायर कभी फायर होता बॉर्डर पे, एंड कभी ब्लास्ट होता है इंडिया में तो तब तो रिस्पांस आता था इंडियन हाकिस का तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें से भी मैंने उसमें से एक मैंने ज्वाइन किया था तो आपने कोई ख़ुद पाकिस्तानी वेबसाइट हाँ। या कुछ हैक करा है हाँ बहुत बार इनफैक्ट न्यूज़ में भी नाम आया पाकिस्तान में और <laughs> <laughs> मतलब बहुत ज़्यादा हाँ क्या है। करते थे आप हैक करके मतलब हाँ गाली वाली? हाँ मोस्टली तो यही था <laughs> गालियाँ <वाली होती> <laughs> तो तो <laughs> <laughs> स्टार्टिंग में हाँ मतलब पहले इतनी मेचोरिटी थी नहीं ना तब करना क्या <laughs> आपने उनके सर्वस उनके आर्मी का डेटाबेस हैक कर लिया उनकी वेबसाइट डिफेस कर दी डॉट जी ओ वी डॉट पी के हैक कर ली बहुत सारे डिफेस कर लिया उसके बाद आप करोगे क्या डेटाबेस ज़्यादा से ज्यादा डाउनलोड मार लोगे इतना था नहीं कि उसके फर्दर क्या कर सकते हैं वो नॉलेज लिमिटेड थी उस टाइम भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी वीक है कि एक रेगुलर हैकर एकदम से पूरा हाँ, ले सकता है हाँ वीक थी उस समय इंडियन इनफैक्ट इंडियन आ, इंडियन एन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट देखते हैं डॉट एन आपने देखा होगा उनकी भी बहुत सिक्योरिटी वीक।, वीक थी उस टाइम तक अभी तो काफ़ी उन्होंने मॉनिटरिंग वगैरह कर दी है बट उस टाइम बहुत वीक थी तो हाई लेवल पे इंडियन वेबसाइट्स भी हैक होती थी और हमारी साइबर और केवल पाकिस्तान से नहीं बांग्लादेश से भी चल रही थी उस समय अच्छा। तो बहुत ऑफ यू नो अटैक्स होते थे होती थी अच्छा